बॉलीवुड का सबसे फेमस कपल कटरीना कैफ और विकी कौशल ने दिसंबर 2021 में धूमधाम से शादी की थी, जिसके चंद माह बाद ही अप्रैल में खबर आई थी कि कटरीना और विकी के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है। गुज़िश्ता माह मुंबई एयरपोर्ट पर कटरीना कैफ को शलवार कमीज में देखा गया तो उनके फैंस ने अदाकारा के हमला होने की चामगोइयां की, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने भी कटरीना के हमला होने से मुतालिक न्यूज रिपोर्ट की थी। इससे पहले कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी से मुतालिक भी बहुत सारी अफवाहें फैली थी, मगर दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं दिया था। ताहम इन दोनों ने अचानक ही शादी का अनाउंस करके सबको हैरान कर दिया था। ताहम बॉलीवुड बारबी डोल कही जाने वाली अदाकारा कटरीना कैफ के तर्जुमान ने अदाकारा के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश की खबरों पर वजाहत करते हुए मीडिया की तमाम खबरों को गलत करार दिया। विकी कौशल के तर्जुमान ने वाज़े किया है कि उनके यहाँ पहले बच्चे की मुतवक्के पैदाइश की सारी खबरें गलत हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए जूले के तर्जुमान ने मुख्तसर बताया है कि अदाकारा के हमला होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उनके यहाँ मुतवक्के बच्चे की पैदाइश की खबरें तस्दीक के बगैर वायरल की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त कटरीना और कौशल अपना करियर बनाने में मसरूफ हैं, इसलिए ऐसी झूठी खबरें वायरल करना बंद की जाए। विकी और कटरीना के मैनेजर ने उन सारी खबरों को झूठा करार दिया है, ताहम जूले ने अभी तक ऐसी अफवाहों पर कोई बात नहीं की है।